आईपीएल 2020 के 32वें मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। कप्तान बदलने के बाद भी केकेआर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, उसे मुंबई ने सीजन में दूसरी बार हराया। अबुधाबी में खेले गए मुकाबले में कोलकाता ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 149 रन का टारगेट दिया। जवाब में मुंबई ने 16.5 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बनाकर मैच जीत लिया। मुंबई के ओपनर क्विंटन डिकॉक ने आईपीएल में अपनी 13वीं 50 लगाई। उन्होंने टीम के लिए सबसे ज्यादा नाबाद 78 रन बनाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। हार्दिक पांड्या 21 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कप्तान रोहित शर्मा ने 35 रन की पारी खेली। पहले 61 रन पर 5 विकेट गंवाने के बाद मुश्किलों में घिरी केकेआर को कप्तान इयोन मॉर्गन और पैट कमिंस ने संभाला। दोनों ने टीम के स्कोर को 5 विकेट पर 148 रन तक पहुंचाया। दोनों ने 6वें विकेट के लिए 87 रन की नाबाद पार्टनरशिप की। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।